जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, इस चीज़ का देखने के हमारी जो मेन लीडरशिप है, हमारे जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी प्रेसिडेंट, उनको डिटेन किया गया, और हमारी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वही आजकल इस चीज़ को चला रही है। कल जो हमने पीडीपी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपके साथ, कि उन्होंने 5 अगस्त के लिए एक प्रोग्राम दिया था कि एक हम सिट इन डेमोक्रेटिकली एक प्रोटेस्ट करेंगे प्रेस कॉलोनी में आर्टिकल 370 और 35 के खिलाफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ज़िला इंतजामिया ने रात को एक डिसीजन लिया कि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। पीडीपी ने सिरे से आर्टिकल 370 और 35 ए को नकार दिया। हम इस चीज़ की हमेशा मजम्मत करते हैं और हमेशा इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी मेन लीडरशिप बाहर आएगी, उसके खिलाफ वो क्या प्रोग्राम देंगे। लेकिन 370 और 35 से पीडीपी ने न कभी माना था न मानेंगे। नहीं, प्रोग्राम तो अभी स्टैंड बाई है, लेकिन यहाँ से इन्होंने सेक्शन 144 भी लगाया है। हम ज़िला इंतजामिया के टच में भी है कि अगर वो हमें डेमोक्रेटिकली एक मौका देंगे सिट इन प्रोटेस्ट करने का, हम ज़रूर जनाब करेंगे। नहीं, अभी तक ऐसे तो कोई न्यूज़ नहीं आया, वी आर इन टच विद लीडर्स, लेकिन सारे तकरीबन हमारे जो जितने भी हमारे एक्स मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी वर्कर्स है, बहुत सारे उसमें हाउस अरेस्ट किए गए हैं। तो आप अभी और लीगली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? पीडीपी ना कभी तशद्दुद के साथ था ना कभी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो जाए, जैसे बीजेपी क्लेम कर रही थी कि 370 और 35 ए एबॉर्गेशन के बाद वो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप करेंगे, लेकिन एक साल होने को आया ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा।